गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन फंजाई, कवकों में पोषण। बच्चों, जो ये कवक हैं ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं? बच्चों, मैंने आपको बताया था कुछ प्लांट बॉडी ऐसी हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जैसी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। हरित लवक का यहाँ काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से आपको मालूम है ग्लूकोज यानी भोजन यानी कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है या कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, भोजन बनता है। ठीक है, वे प्लांट्स जिनमें ये ग्रीन ये स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, क्लोरोप्लास्ट मिलती हैं, फोटोसिंथेसिस अभिक्रियाएँ चलती हैं, भोजन बनता है, ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, स्वयंपोषी। स्वयंपोषी खुद, स्वयंपोषी का मतलब अपने आप पोषण है, भोजन है, उसको बनाते हैं। लेकिन बच्चों, जो ये कवक हैं, फंजाई, जितनी भी फंजाई हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती। क्लोरोप्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर के अभाव में ये फोटोसिंथेसिस जैसी रिएक्शंस नहीं कर सकते, प्रकाश संश्लेषण दूसरे प्लांट्स की भांति प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती। इसलिए बच्चों, इनको जिंदा रहने के लिए भोजन की तो आवश्यकता होती है, लेकिन भोजन को खुद ये तैयार नहीं कर सकते, खुद नहीं बना सकते, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शंस नहीं होती। इसलिए बच्चों, इनको भोजन के लिए दूसरे परजीवियों के ऊपर इनको होस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहाँ से ये क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बच्चों, जिस होस्ट से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी से, तो वो परपोषी जिंदा भी हो सकता है और मृत भी हो सकता है। इसलिए जितने प्रकार के भी फंजाई हैं, कवक हैं, वे सारी क्या कहलाती हैं? हेटरोट्रॉफ्स होती हैं, हेटरोट्रॉफिक, विषमपोषी, भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस जैसी रिएक्शन नहीं होती। बच्चों, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, भोजन बनाने में ये असक्षम है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब जहाँ से ये भोजन, क्योंकि ये क्या है, विषम परपोषी हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं, भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चों, वो क्या कह, जहाँ से ये भोजन अपना अवशोषित करते हैं, शक करते हैं, वो बॉडी क्या कहलाती है? होस्ट। बच्चों, होस्ट यहाँ जिंदा भी हो सकता है और मृत भी हो सकता है। इसके आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर जो फंजाई हैं वो तीन प्रकार की हो सकती हैं। तीन प्रकार की कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले जो फंजाई हैं वो है पैरासाइट्स, परजीवी। सेकेंड, सेप्रोफाइट्स, मृतजीवी। एंड थर्ड, सिम्बायोंट्स, इसको बोलते हैं सहजीवी। बच्चों, अपने फर्स्ट फंजाई की बात करते हैं, पैरासाइट फंजाई कौन कौन सी हैं? परजीवी। परजीवी का मतलब क्या है? भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहना। बच्चों, पैरासाइट फंजाई की विशेषता क्या है कि बच्चों, ये अपना जो फूड है, जो भोजन है, केवल सजीवों से ही प्राप्त करती है। ये मैंने यहाँ लिख रखा है, पैरासाइट यानी परजीवी जो फंजाई है केवल सजीवों से ही अपना पोषण प्राप्त करती है। ठीक है, आगे इसको भी दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट, सेकंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। बच्चों, ध्यान से देखना, ऑब्लिगेट पैरासाइट को यहाँ क्या बोलते हैं? अविकल्पी परजीवी। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट को बोलते हैं विकल्पी मृतजीवी। थोड़ा सा कंफ्यूज, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पैरासाइट में ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन सी हैं? ऑब्लिगेट का मतलब अविकल्पी। बच्चों, जैसे नाम से ही क्लियर है, अविकल्पी, इनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसी फंजाई, ऐसी फंगस, ऐसी कवक जिनको भोजन प्राप्त करने के लिए जीवित होस्ट के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है। सिर्फ एक ही विकल्प है कि जिस होस्ट से ये भोजन ग्रहण करेंगे वो कैसा होगा? जीवित होगा। ठीक है, अगर जीवित होस्ट इनको ना मिले तो उसके अभाव में ये क्या करेंगी? डेड हो जाएंगी। क्यों? इनके पास दूसरा विकल्प ही नहीं है। अगर जिंदा
होस्ट इनको मिला, जिंदा होस्ट इनको मिला तो अपना भोजन ये प्राप्त कर सकते हैं, और जिंदा होस्ट के अभाव में इनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, अविकल्पी कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन सक नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए ये मर जाएंगी। तो अविकल्पी परजीवी ऐसी फंजाई हैं जो केवल जीवित होस्ट से ही अपना भोजन प्राप्त करती हैं, जीवित होस्ट से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। इनके पास जीवित होस्ट से भोजन प्राप्त करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अविकल्पी परजीवी। बच्चों इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो एल्बुगो का और पक्सिनिया का। अच्छा, दूसरा अपने देखते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, विकल्पी मृत जीवी। बच्चों इनके पास क्या है, विकल्प है। ये इस प्रकार की फंजाई है कि इनको पोषण के लिए अगर जीवित होस्ट ना मिले तो ये डेड कार्बनिक पदार्थों से भी, मृत सड़े गले जो कार्बनिक मटेरियल हैं वहाँ से भी ये अपना भोजन प्राप्त कर सकती हैं। बच्चों खुद को एकदम चेंज कर लेती हैं, अगर इनको जिंदा होस्ट ना मिले तो डेड होस्ट से, सीधी सी बात है, डेड होस्ट से भी ये भोजन को प्राप्त करने में सक्षम है, इसलिए इनको बोलते हैं विकल्पी। इनके पास एक विकल्प है, पहला रास्ता से काम नहीं बना तो दूसरा रास्ता अपना लिया, इसलिए इनके पास विकल्प है, ठीक है। अगर इनको जीवित होस्ट ना मिले, जीवित होस्ट मिले तब तक तो ठीक है, अगर जीवित होस्ट ना मिले तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अस्टिलेगो फ्यूजेरियम। बच्चों ये जो फंजाई है ये होस्ट की जो बॉडी है उसके अंदर भी हो सकती हैं और बॉडी के बाहर भी हो सकती हैं। ओवरऑल इनको फूड सक करना है, भोजन का अवशोषण करना है, तो जो होस्ट मिलेगा उसकी बॉडी के ऊपर भी चिपक सकती हैं, बॉडी की सरफेस पर भी मिल सकती हैं, और बॉडी के अंदर जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, उसके अंदर भी ये हो सकती हैं। इसके आधार पर ये टू टाइप्स की हैं, देखो नाम से क्लियर है, एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट, ठीक है। बाह्य परजीवी अंतः परजीवी, बच्चों नाम से क्लियर है, बाह्य परजीवी ऐसी कवक जो होस्ट की सतह पर जाल बनाकर रहती है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं करती, ठीक है। और अंतः परजीवी ऐसी कवक, ऐसी फंजाई जो उनके होस्ट की टिश्यू यानी उत्कों के अंदर जाल बनाकर रहती है, उत्कों के अंदर चली जाती है, ठीक है। जो बाह्य परजीवी हैं इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो इरीसाइफी का, और जो अंतः परजीवी है उसमें एग्जाम्पल ले सकते हो पक्सिनिया सक्लेरोस्पोरा का, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है न्यूट्रिशन के आधार पर जो कवक हैं वो है सेप्रोफाइट्स। बच्चों सेप्रोफाइट्स को क्या बोलते हैं, मृत जीवी, नाम से क्लियर है, ऐसे जीव जो कि मृत है, ठीक है। तो फंजाई क्या करती हैं, कवक क्या करती हैं, अपना जो भोजन है केवल मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करती हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सेप्रोफाइट फंजाई। सेप्रो का मतलब क्या है, मृत, फाइट्स का मतलब प्लांट बॉडी, ठीक है, केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करती हैं, ठीक है, ओनली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ओके। यह भी दो प्रकार की हैं, वही ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। बच्चों ऑब्लिगेट में क्या है, ये देखो ऑब्लिगेट को यही लिखोगे अविकल्पी परजीवी, ठीक है, और इसको आप लिखोगे फैकल्टेटिव, यानी इसको आप लिखोगे विकल्पी परजीवी, ठीक है। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट फैकल्टेटिव पैरासाइट। बच्चों ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट का क्या मतलब है, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, अविकल्पी मृत जीवी, बच्चों दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ये जो फंजाई है केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही पोषण प्राप्त करती हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं
सिर्फ उन्हीं से पोषण प्राप्त करती हैं, दूसरा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेजाइजा, मोरकेला, अगेरिकस, ये इनके आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी वो है फैकुल्टेटिव पैरासाइट। बच्चों विकल्पी, विकल्पी का मतलब ये ऐसी मृतजीवी कवकें जिनके पास दूसरा विकल्प भी है, दूसरा रास्ता भी है, दूसरा आइडिया भी है। वे क्या करती हैं कि अगर इनको डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ना मिले तो बच्चों ये जिंदा होस्ट से भी अपना भोजन या पोषण या फूड प्राप्त कर सकती हैं। इनके पास विकल्प हैं, खुद को ऐसे इन्होंने सक्षम बना लिया है कि इनके पास दूसरा रास्ता ये अपनाने में सक्षम है। अगर इनको डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ना मिले तो फटाफट वे अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं और जो जिंदा होस्ट है वहाँ से अपना फूड जो है, भोजन है, वे उसका अवशोषण कर लेती हैं, तो ये खुद को चेंज कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके हैं? फैकुल्टेटिव पैरासाइट के। बच्चों जो लास्ट जो फंजाई है न्यूट्रिशन के आधार पर, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं सहजीवी, या इसको बोलते हैं सिम्बायोंट। सहजीवी का मतलब दो जीवों का एक साथ रहना। बच्चों ये यहाँ पर पार्टनरशिप में रहते हैं। कैसे रहते हैं? अपने पार्टनरशिप में रहते हैं। जैसे अपने क्या करते हैं, हॉस्टल के अंदर बच्चे कैसे रहते हैं, एक रूम के अंदर दो बच्चे रह सकते हैं, दोनों पार्टनर हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सहजीवी यानी सिम्बायोंट का मतलब है कि दो पार्टनर का एक साथ रहना। क्यों रहना? दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। समस्या तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन उस समस्या, उस प्रॉब्लम को दोनों मिलजुल कर सामना करते हैं, एक दूसरे की पूरी तरह से हेल्प करते हैं, पार्टनरशिप में रहते हैं, और यही पार्टनरशिप क्या कहलाती है? सहजीवी। बच्चों जो फंजाई है, जो कवक है, वो कवक का जो पार्टनर है वो एल्गी भी हो सकता है और वो जो हायर प्लांट्स की रूट्स भी हो सकती हैं। बच्चों यहाँ पर जो फंजाई के पार्टनर कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर एल्गी भी हो सकती हैं, एल्गी के साथ भी रह सकती हैं, और जो उच्च वर्गीय की जो प्लांट्स हैं वे भी इसकी पार्टनर हो सकती हैं, उच्च वर्गीय की रूट के अंदर। ठीक है, तो ये दो अलग अलग इनके पार्टनर हैं, एल्गी और हायर प्लांट्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है लाइकेन। पूछ लेते हैं, अक्सर पूछते हैं लाइकेन, इसको बोलते हैं हिंदी में शैवाक, लाइकेन। बच्चों लाइकेन का यहाँ क्या मतलब है? लाइकेन भी यहाँ क्या पर है? एक बेनिफिशियल सहजीवी, बेनिफिशियल पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें दोनों ही जीवों को, दोनों ही पार्टनर को हेल्प होती हैं, दोनों ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाले होते हैं। कैसे? कि जब फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ में रहे, बच्चों ये देखो, जब फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ सहजीवन व्यतीत करें, दोनों पार्टनरशिप में हों, तो इस प्रकार की जो पार्टनरशिप है वो क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं लाइकेन। बच्चों आपको मालूम है कि फंजाई के बारे में मैंने आपको बताया कि फंजाई यहाँ कैसी हैं, फंजाई के अंदर भोजन को संश्लेषित करने वाली स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता, फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं होता, इसलिए इसमें फूड सिंथेसिस नहीं होता। भोजन के लिए फंजाई को दूसरे पार्टनर की आवश्यकता है, और एल्गी में क्या होता है? एल्गी में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, तो एल्गी यहाँ क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। फंजाई यहाँ क्या है? हेटरोट्रॉफ्स। तो बच्चों दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट की पूर्ति करते हैं। फंजाई को क्या मिलता है? भोजन। फंजाई को एल्गी से क्या मिलता है? भोजन। बदले में फंजाई एल्गी को क्या देती है? जल का अवशोषण करना या सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइकेन। नेक्स्ट इज माइकोराइजा, माइकोराइजा इसको बोलते हैं कवक मूल। बच्चों नाम से क्लियर है, कवक मूल, कवक और मूल, फंजाई एंड रूट्स की पार्टनरशिप। रूट्स यहाँ
जो उच्च वर्गीय की प्लांट है उनकी रूट्स हो सकती हैं। जब कवक और उच्च वर्गीय प्लांट्स की रूट की आपस में पार्टनरशिप हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज माइकोराइजा, इसको बोलते हैं कवक मूल। ठीक है, तो फंजाई का यहाँ पार्टनर कौन है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, उच्च वर्गीय की जो जड़ें हैं और जो फंजाई हैं इनकी पार्टनरशिप। बच्चों बदले में क्या करती हैं फंजाई? क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं और किसको देती हैं? प्लांट्स को। ठीक है, और प्लांट्स से ये क्या प्राप्त करती हैं? भोजन प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार ये क्या है कि जो एक फंजाई है वे न्यूट्रिशन पोषण के आधार पर पैरासाइट्स भी हो सकती हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकती हैं और सिम्बायोंट्स भी हो सकती हैं।